मैरी गो आर्ट्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, ये देखिए, ये है पेपर बोट। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं पेपर बोट बनाना। पेपर बोट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ऐसा एक पेपर लेंगे जो कि आयताकार शेप में यानी कि रेक्टेंगल शेप में होगा। इस पेपर को हम लोग इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा पहला फोल्ड है, बिल्कुल बराबर है। ये देखिए मैंने बिल्कुल यहाँ से बराबर पेपर को फोल्ड किया है और इसे अच्छी तरह से दबा देंगे। इसके बाद हम एक फोल्ड और करेंगे यहाँ से। ये हमने दूसरा फोल्ड किया। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग ये तीसरा फोल्ड हमारा हुआ, यानी कि हम ये तीसरी बार मोड़ रहे हैं बिल्कुल बीच से। और फिर बहुत सावधानी से इसे मोड़ना है, यानी कि फोल्ड करना है। ये हमारा चौथा फोल्ड हुआ, यानी कि हमने इसे फोल्ड किया है। और अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम इससे यहाँ इस टाइप का आपका हो जाएगा। इसको आपको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है। ये हमने मोड़ दिया और ये जो मोड़ा है इसको हम फिर पीछे की ओर मोड़ देंगे। देखिए ये हमने पीछे की ओर कुछ इस तरह से मोड़ दिया। और जो ये हमारा नीचे में ये शेप बचा, इसे हम यहां से ऐसे मोड़ेंगे इस तरीके से। इधर से भी हम लोग मोड़ लेंगे और उसके बाद हम बराबर करते हुए इसे इस तरह से मोड़ देंगे, यानी कि किस तरह से हमने फोल्ड किया है ये आपने देख लिया। यहां से मोड़ने के बाद फिर हमने यहां से इस तरह से यहाँ पर मोड़ दिया। इसे हम अच्छी तरह से दबाएंगे। अब देखिए बीच से खोलिएगा तो इस तरह का बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप अपने अंगूठे को ऐसे करेंगे और ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ते समय यानी कि फोल्ड करते समय या खोलते समय, फोल्ड को खोलते समय, दोनों ही समय आप थोड़ा सा ध्यान देना है। ये इस तरह से हो। अब हम इसे यहां से फिर एक फोल्ड करेंगे। देखिए हमने फिर यहां से इस फोल्ड को किया है। यहां से हमने हाफ लिया और उसको यहां से फिर एक बार फोल्ड किया। यहां पलट देंगे और यहां से हम फिर एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे दोनों साइड से फोल्ड कर दिया और कुछ इस तरीके का शेप आएगा। अब हम इसे इस तरीके से फिर एक बार यहां से खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे और इस तरीके से खोल के थोड़ा दबाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने दबाया, हमारा कुछ इस टाइप का शेप आ चुका है। अब हम इसे यहाँ से मैं खोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये हमने यहाँ पे ऐसे किया। जब आप इसे खोलेंगे ना तो ये यहाँ पे थोड़ा झुक सा जाएगा, उसको आपको सीधा कर लेना है। और हम इसे ऐसे करके ऐसे कर लेंगे से दबा देंगे। दबा लिया ना हमने। ये यहां पर इस तरीके का होगा। इसे हम थोड़ा सा दबाते खोलेंगे।
और ये हमारा बन गया पेपर फोर्ट। यहाँ पे हमने एक नीले डब का शीट लिया है और उस पर थोड़ा पानी का चित्र बना दिया है और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसे छोटी मोटी छोटे मोटे टब में आप चाहे तो इसे डालकर चला सकते हैं, बाथ टब में डाल के चला सकते हैं, या फिर आप इसे अपने रूम में सजा भी सकते हैं इस तरह का बना के। लेकिन अगर आप इसे छोटे मोटे तालाब में पोखर में भी चाहे तो कम पानी वाले जगह में बहुत अच्छा से चला सकते हैं, लेकिन इसे मैंने सजाने के ख्याल से बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये पेपर बोट काफ़ी पसंद आया होगा, तो ऐसे कलरफुल पेपर बोट आप भी बनाएं। और आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मैं फिर किसी नए क्राफ्ट के साथ आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।